नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं स्मृति ईरानी को बीजेपी ने फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा है। चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का कल रात बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले 4 दिनों से आईसीयू में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेता और चामराजनगर से सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से मुझे बेहद दुख हुआ है, वह सामाजिक न्याय के समर्थक थे। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। मौजूदा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्या की जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जा सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक के बागलकोट में सभा करेंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां सोलापुर, कराड़ और पुणे में सभा करेंगे। कश्मीरी घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे कश्मीर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान क्षेत्र में भारी बारिश, गरज, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। इरफान खान ने अपने करियर में शानदार फिल्में की हैं। आज भी उनका सीन कहीं चल रहा होता है तो लोगों की आंखें ठहर जाती हैं। इरफान खान को गुजरे हुए 4 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन एक्टर को उनके फैंस हर दिन याद करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना के टीकों को लेकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपना टीका बनाया बल्कि अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति की। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में महिला को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला मृतक के साथ रिश्ते में थी। पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि महिला ने प्रॉपर्टी डीलर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पिछली बार की तरह ज्यादा आसान नहीं रहने वाली है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर संतोष पांडे का कहना है कि कई लोगों ने उनसे आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव लड़े, हालांकि अभी वह इस पर विचार कर रहे हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस से नाराज नेता आरिफ नसीम खान को एआईएमआईएम ने मुंबई से टिकट देने को न्योता दिया है। इस बारे में पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने जानकारी दी है। बॉलीवुड एक्टर साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और बेटिंग को प्रमोट करने का आरोप है, जिसके तहत उन पर कार्रवाई की गई है। भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार आज तेज है और मार्केट ओपनिंग में अच्छा उछाल देखने को मिला है। बैंकिंग शेयरों के सपोर्ट से बाजार ऊपर जा रहा है। प्रभास की सालार साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था। कुछ समय पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इससे दूसरे पार्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी नजर आएंगी, हालांकि ये बात कंफर्म नहीं थी। अब एक रिकॉर्ड सामने आई है जिसमें बताया गया है कि क्या कियारा सच में इस फिल्म का हिस्सा है। आईपीएल 2024 के 46वें मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को हरा दिया। इस मैच में मथिशा पतिराना की यॉर्कर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके कारण मिडिल स्टंप जमीन से उखड़ा और माइक टूट गया। बीजेपी ने हर बूथ पर 300 से अधिक वोट प्राप्त करने का खास लक्ष्य रखा है। शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद अब पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए मंत्र पर काम करना शुरू भी कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख अधीर रंजन चौधरी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कांग्रेस और सीपीआईएम मिली हुई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में रोशन सिंह सोडी का रोल प्ले करने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह सोडी पिछले 6 दिनों से लापता है। करीबी सूत्रों से पता चला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी माली हालत भी खराब थी। पुलिस सीसीटीवी के जरिए गुरुचरण की तलाश करने में लगी हुई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज़। नमस्कार।